हेलो बच्चों, नमस्कार। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ बीच के रह गए थे क्वेश्चंस, वो भी करवाऊंगा आज। और आज ये 7.3 खत्म करवा दिया जाएगा और फिर 7.4 शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देखिए जरा कैसे करें भाई। देखिए, इसको पहले आई के बराबर ले लो, इसको आई के बराबर ले लो। हाँ जी, ये बनेगा टेन स्क्वायर टू एक्स, टेन टू एक्स सेक टू एक्स डी एक्स। ठीक है जी, क्या मैं टेन स्क्वायर टू एक्स को सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस वन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? जी बिल्कुल लिख सकता हूं। और अगर बच्चों मैं क्या करूं, अगर बच्चों मैं क्या करूं कि सेक एक्स को, सेक टू एक्स को टी लेट कर लूं, तो ये क्या बन जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और सेक टू एक्स का बनेगा सेक टू एक्स टेन टू एक्स, और टू एक्स का टू, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। लेकिन मुझे तो सेक टू एक्स टेन टू एक्स और डी एक्स चाहिए, तो बस टू को उठा के वहां ले जाओ, इसको उठा के वहां ले आओ। सेक टू एक्स टेन टू एक्स डी एक्स वन बाय टू डी टी। ठीक है, तो ये बन गया पूरा किसके बराबर? वन बाय टू डी टी, तो वन बाय टू तो बाहर आ जाएगा। हाँ जी, और ये क्या बन गया? टी, तो टी का स्क्वायर माइनस वन डी टी। इंटीग्रेशन कर दो, टी क्यूब अपॉन थ्री माइनस टी प्लस सी। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 देख लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत ईजी है। ये आपका साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये करना बच्चों। तो कैसे करेंगे? एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। तो इससे कट जाएगा एक बार पावर, इससे कट जाएगा एक बार पावर, तो आई बराबर, हाँ जी, साइन और एक बार कॉस टेन एक्स, और एक बार सेक एक्स। और कॉस ये एक बार कॉट एक्स और एक बार कॉस साइन का ऊपर जाके कॉस एक्स। समझ में आ रहा क्या किया मैंने? कॉस स्क्वायर एक्स से एक बार साइन के नीचे ले गया टेन एक्स, एक बार अकेला सेक एक्स। साइन स्क्वायर एक्स से एक बार कॉस के नीचे ले गया कॉट एक्स, और एक बार नहीं ले गया भाई क्या, कॉस एक एक्स। तो ये टेन एक्स सेक एक्स किसका बनेगा भाई, जल्दी बता दो। किसका इंटीग्रेशन होता है ये होता भाई, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक एक्स। ठीक है, प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 18, कॉस टू एक्स प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कैसे करेंगे भाई? वही आई के बराबर। कॉस टू एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें से दो में से एक गया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये बन जाएगा वन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर क्या हो जाएगा बच्चों? आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। वन अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने 7.2 में किया था। अब अगर बच्चों मैं यहाँ पे कॉस से मल्टीप्लाई कॉस से डिवाइड करूंगा तो काम तो बन जाएगा मेरा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे भाई कॉस की पावर 4 मिल जाएगा, और कॉस की पावर 4 जो है वो हमारे लिए सही से पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि हम इसे ओपन कर सकें। तो एक काम करते हैं ना, क्या मैं इस वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे लिख सकता हूं, तो बस एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे। ठीक है, तो एक बार से एक बार कट गया, दो बार से एक बार कट गया। ठीक है, ये बन जाएगा क्या भाई? साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा टेन एक्स,
ऊपर आके sec स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा क्या, ये तो कट गया पूरा का पूरा, तो साइन cos x। हाँ जी अच्छा, ये तो वो बन जाएगा वन अपॉन में साइन एक्स कॉस एक्स, इसके साथ कर सकते हैं हम कि कॉस एक्स से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स से डिवाइड, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। तो टेन एक्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन में साइन अपॉन कॉस टेन एक्स कॉस 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 स्क्वायर एक्स डीएक्स, कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स डीएक्स, ठीक है वही है, लेट कर लो। क्या लेट करोगे, टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स बराबर टी, ठीक है जी। सॉरी एक मिनट, एक काम और करना है, आई बराबर कॉमन ले लेना इसमें सेक स्क्वायर एक्स, तो बचेगा टेन एक्स प्लस वन अपॉन में टेन एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लो डीएक्स, ठीक है। अब क्या करो, लेट करो टेन एक्स बराबर टी, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ आ जाएगा, डी टी यहाँ आ जाएगा। ये उतारो बच्चों, ये नोट करो पहले, सही बच्चे ये नोट करो, फिर इसके आगे कराता हूँ। चलिए भाई, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इस वाले को पूरा कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को 19 को ही पूरा कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स डी एक्स तो क्या बन गया डी टी, और टेन क्या था टी प्लस वन अपॉन टी डी टी, तो ये तो बन जाएगा टी स्क्वायर अपॉन टू, ये बन जाएगा लॉग टी प्लस सी, बाकी आपको टी बताइए क्या था, ठीक है टेन एक्स। चलिए नोट कर लीजिए, यहां तक का तो किया ही हुआ है, ये और नोट कर लो भाई, नाइनटीन का आखिरी के जो कुछ चंद वो रहे सॉल्यूशन के, वो उतार लो, ठीक है। नाइनटीन हो गया, अब देखो ट्वेंटी कॉस टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, इसे लिख दो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार से एक बार कट गया,
अब क्या करना है, नीचे वाले को लेट करो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कॉस का माइनस साइन एक्स, साइन का कॉस एक्स, टी का डी टी अपॉन डी एक्स, उठा के वहां ले जाओ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी। हाँ भाई, तो ये पूरा डी टी वन अपॉन में टी डी टी, तो लॉग टी प्लस सी, और टी आपको पता ही है क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया भाई, 21, ये तो बहुत इजी सा है, ठीक है। क्या करना है, साइन इनवर्स कॉस एक्स डी एक्स, तो कुछ नहीं है, जैसे आप लोग साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, सेम वही है, वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी। हाँ जी, ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के होता है, प्लस सी स्क्वायर से रूट कट जाएगा, वन अपॉन में साइन एक्स प्लस सी, ऊपर कर दो कॉस एक एक्स प्लस सी आंसर है, ठीक है। ठीक है, नोट कीजिए इसको, फिर मैं तसल्ली से क्वेश्चन नंबर 22 कराता हूँ, इसको नोट कीजिए। चले भाई, बताऊं क्वेश्चन नंबर 20, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आज ये खत्म करा के चलो, फिर 7.4 नेक्स्ट क्लास में। वन अपॉन में कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। बच्चों इस क्वेश्चन में ना आप कोई सा भी फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, कोई सा भी, एक मिनट होल्ड करना, ठीक है। चलिए देखिए जरा, अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी अगर मैं ऊपर साइन स्क्वायर वाला ले भी लूँ तो अभी कोई फर्क नहीं है, क्योंकि नीचे का भाई कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीचे क्या है भाई, दोनों एंगल अलग अलग है। तो ऐसा करो, इसको ना चेंज करो, कैसे, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई, साइन ए माइनस बी से डिवाइड, ये करो। अब साइन से ही क्यों करेंगे, ताकि कॉस की एक एक टर्म आपस में कटती चली जाए, ठीक है, क्योंकि कॉस से ही करेंगे तो तब तो कोई टर्म कटेगी नहीं, एक टर्म कटेगी एक टर्म रह जाएगी। तो वन अपॉन में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी अंदर ले जाओ, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब बात आ रही है कि भाई ऊपर जो है
ऊपर जो है वो साइन ए माइनस बी है, तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो भाई मुझे एक्स के टर्म में ओपन करना पड़ेगा, तो क्या करूंगा भाई मैं इसे, अपनी मर्जी से एक्स प्लस, अपनी मर्जी से एक्स माइनस, ताकि क्वेश्चन बैलेंस रहे। लेकिन मुझे कंडीशन किसकी बनानी है, एक्स माइनस ए की और एक्स माइनस बी की। ठीक है, तो ये हो गया साइन, इसको कंडीशन में बैठा लो पहले, ये लो एक्स एक्स माइनस बी और इस वाले एक्स को माइनस एक्स प्लस ए ऐसे रखो, इसको कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, वन अपॉन साइन ए माइनस बी। हाँ भाई, साइन एक्स माइनस बी, जबरदस्ती माइनस कॉमन ले लो, तो इससे क्या होगा, माइनस वाली चीज प्लस में और प्लस वाली चीज माइनस में, देखो टर्म बन गई मेरे पास एक्स माइनस ए की और एक्स माइनस बी की। ठीक है, आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए माइनस बी। ठीक है, साइन ए माइनस साइन साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे, इस तरीके से होंगे क्वेश्चन, इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे थे। हाँ तो मैं दर्द होने लग गया भाई कराते कराते। आहा हा, ठीक है, देख रहे हो बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब कैसे करेंगे, कॉस एक्स माइनस ए से कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी, तो आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस बी माइनस साइन अपॉन कॉस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अब आप लोग बहुत अच्छे से, भाई मैंने आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे कि भाई लॉग टेन एक्स, लॉग टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो जल्दी बता दो भाई लॉग टेन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। लॉग टेन एक्स का फॉर्मूला होता है लॉग सेक एक्स, और लॉग सेक एक्स के साथ साथ एक बात याद रखना भाई, ये देख लो टेन एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया था लॉग सेक एक्स होता है, और एक और होता है इसका, इसका फॉर्मूला एक और होता है माइनस का लॉग कॉस एक्स, ये भी होता है, तो दो फॉर्मूले हैं ये। ठीक है, तो भाई टेन इसका कर दो, क्या बनेगा ये, माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी माइनस माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी, तो आई बराबर वन अपॉन साइन ए माइनस बी, भाई ये प्लस ये माइनस, तो आपको तो पता ही है क्या बन जाएगा, लॉग, हाँ भाई लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी और ये प्लस सी आपका आंसर, करो फॉर्मूले के हिसाब से ये करो भाई। करो इसे, नोट करो,
एक क्वेश्चन 10 और देख लो, चलो इसको तो वीडियो पॉज करके उतार लिया होगा। क्वेश्चन 10 और देख लो। ठीक है, अब इसके बाद आप सारे क्वेश्चन इसके कर सकते हो, वैसे मैंने कराई दिए सारे, तो मैंने ही कराए, बाकी आपके लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है बस। ठीक है भाई, क्या इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। ठीक है, चलिए, क्या भाई इसको कहते हैं साइन स्क्वायर एक्स डॉट साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो क्यों बोला मैंने इसको ऐसे, क्योंकि मुझे पता है साइन की पावर 4 का हमने कोई फॉर्मूला ना ही पढ़ा है और ना ही बनाया है, तो जब ना ही पढ़ा है ना बनाया तो फिर फायदा क्या, तो ऐसे चीज में ढाल दो ना जिसमें हमने इसे बना रखा है, तो स्क्वायर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, अब साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, याद होगा आपको 1 माइनस cos 2x/2, 1 माइनस cos 2x/2, 2 2 जा 4, ये तो बाहर आ जाएगा 1/4, ये कर दो 1 माइनस cos 2x/2 dx, 1/4 खोलो, ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, किसका cos2x, और इसका बन जाएगा 2 cos 2x dx, 1/4, 1+। भाई cos2x का क्या बनेगा, 1+ में cos 2 है ना, तो 2। हाँ भाई, अब देखो भाई cos2θ था तो बना 1+ में cos 2θ/2। अब जब यहाँ पे cos2θ हो जाएगा तो यहाँ पे 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4θ। अरे हाफ एंगल फॉर्मूला है ना, तो वहां पे डबल, तो यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, अपॉन में 2 + 2 cos 2x dx। कर दो इंटीग्रेशन 1/4, 1 की x, हाँ जी, इस 1 की x/2 + इसकी cos 4x, ये क्या बनेगा sin 4x, ठीक है, अपॉन में 2 और 4x का 4, ठीक है जी, +2 cos 2x का क्या बनेगा sin 2x/2 + c। ठीक है, अब क्या बनेगा, ये i = x/4 + x/8, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा ना, और ये हो जाएगा sin 4x, 4 दूनी 8 = 32, और ये 2 से 2 कट गया, sin 2x/4 + c, ये आंसर है। करो, इस तरीके से करना है, ठीक है। और सॉल्व करना, और सॉल्व कर दो इस तरीके से, तो 8 LCM आ जाएगा इसका, तो 2 और ये 3x/8, sin 4x/32, sin 2x/4 + c, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका 7.3 खत्म होता है, सारे क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करने हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन करवाऊंगा 7.4 के, और नए फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, और ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज की सभा यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय।